अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं रामनगर की। रामनगर से खबर है जहां पर मोहन के पास में अल्मोड़ा और साथ ही रामनगर को जोड़ने वाला पुल ध्वस्त हो गया है और अल्मोड़ा जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया है। भारी बारिश के बाद में बरसाती नाला उफान पर आ गया और पानी के प्रकोप से पुल नहीं बच पाया। पहले पुल में बड़ी बड़ी दरारें आई और फिर कुछ देर बाद में पुल ध्वस्त होकर नाले में समा गया। दोनों तरफ काफी गाड़ियां भी थी जिन्हें पहले ही रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पहले पुल पर दरारें आई थी जिसके बाद में ट्रैफिक को रोका गया था और फिर पुल पर भर भरा कर नाले में गिर गया। नैनीताल के आवागढ़ में खतरे की जद में आए मकानों को खाली करा दिया गया है। भूकटाव की सूचना के बाद में नैनीताल जिला प्रशासन एसटीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची जिसके बाद में लोगों को हटाया गया और पिछले साल भी इसी स्थान पर कटाव हुआ था और एक मकान गिर गया था। अब इस पूरे इलाके में 30 मकानों पर गिरने का संकट आ गया है और वहीं लोग तेज बारिश के बाद भी मकानों को छोड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रशासन ने इनको हटाया और रेन बसेरों में शिफ्ट किया गया। ये देखिए कि 23 सितंबर 2023 को यहाँ पे आपदा आई, उसके बाद प्रशासन द्वारा जो जियो के कट्टे लगाए यहाँ का मलबा उसी कट्टे में भर के चिपका दिया गया है। देखिए, मैंने इससे पहले बताया था कि यहाँ पर अभी मलबा गिर रहा है, थोड़ा सा बिना मलबा गिर रहा है, रात को इसकी खराब हो सकती है। इसलिए जो मकान इनको पहले से नोटिस भी दिए हुए थे कि आप मकान को यहाँ से खाली कर दें, मानसून में आप चले जाए। आवागढ़ में हो रहे भूस्खलन कटाव के लिए अभी हालांकि प्रशासन की टीम यहाँ पहुंच चुकी है और उसके बाद जो ऊपरी वाला इलाका है देख सकते हैं जहां से भूस्खलन लगातार हो रहा है, जो जियो बैग लगाए गए थे प्रशासन की ओर से वो पूरी तरीके से नीचे गिर गए हैं और इसके अलावा जो ऊपर 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिन पर खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन की टीमों ने घर को खाली करवा दिया है और घर खाली करवाने के बाद जो है उनको रैन बसेरे या तमाम जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लगातार तेज बारिश इस पूरे इलाके में हो रही है। पिछले साल यहाँ पर मकान गिरा था, उसके बाद कोई ट्रीटमेंट के काम नहीं हो पाए थे। हालांकि प्रशासन ने बारिश में जो ऊपर पन्नियां हैं वो जरूर लगाई थी, उसके बावजूद अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई यहां की नहीं गई थी। अब जो है 30 से 40 परिवार अब भी ऐसे हैं जो पूरे इलाके में संकटग्रस्त हैं। हालांकि जिस तरह से प्रशासन अब आया है, उसने अपनी जो मकान है उनको खाली कराया गया है, उनको रैन बसेरे में भेजा गया है, तो ये कहा जा सकता है कि पूरा इलाका डेंजर है। रात में इसी तरीके की बारिश हुई तो सुबह तक ये वॉश आउट भी हो सकता है और तमाम जो लोग हैं उसको इसका असर झेलना पड़ सकता है। वीरेंद्र बिस्ट, न्यूज 18, नैनीताल। पिथौरागढ़ के धारचूला तहसील में 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये सभी लोग तवाघाट के पास में रोंगती नाले के पास में बीते 5 दिनों से फंसे थे। एसएसबी ने सभी लोगों को सुरक्षित धारचूला मुख्यालय पहुंचा दिया है। तवाघाट के पास में लैंडस्लाइड के कारण रोड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। यही नहीं, पैदल रास्ते भी यहां जमींदोज हो गए जिस कारण रेस्क्यू टीम को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। लगातार हो रही बारिश के बाद में पिथौरागढ़ में नदियां उफान पर है और पुल भी खतरे में आ गए हैं। जौल जीबी के पास में गोरी नदी उफान पर है जिसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण गोरी नदी चेतावनी के स्तर से ऊपर जा पहुंची है जिसे देखते हुए प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को सावधान रहने को कहा। साथ ही इन इलाकों में आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए। गोरी नदी के साथ ही काली नदी भी 2 दिनों से चेतावनी के स्तर के ऊपर बढ़ रही है जिसके बाद में जौल जीबी बलुआकोट धारचूला और साथ ही झूलाघाट में नदी किनारे रहने वालों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। वहीं पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला गुंजी पुल खतरे की जद में आ गया है और तेज बारिश के कारण पुल के बेस में दरार आ गई है। तस्वीरें आपको चाइना बॉर्डर की दिखा रहे हैं जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। चमोली से बड़ी खबर है जहां पर कर्णप्रयाग में 2 यात्रियों की मौत हो गई है। गौचर के बीच में जलनाव के पास में पहाड़ी से आए मलबे में 2 यात्री दब गए थे और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों यात्री बद्रीनाथ से दर्शन करके वापस लौट रहे थे तभी गौचर के पास में हादसे का शिकार हो गए। पहाड़ों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश जारी है। वहीं चमोली में नदियां उफान पर आ गई है। अलकनंदा नदी
रौद्र में बह रही है और अब खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी है। बताया जा रहा है कि पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से जलविद्युत परियोजना बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। वहीं विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली दोनों नदियां पूरे उफान पर पहुंच गई हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। आप देखिए तस्वीर में जो अलकनंदा नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से जो विष्णुप्रयाग जो घाट है वो इस समय जलमग्न हो गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रेलिंग है वो भी यहाँ पे पूरी बह चुकी है। और अगर हम देखेंगे दूसरी तरफ, आप देखें धौली नदी का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसकी वजह से विष्णुप्रयाग जो घाट है वो अब लगभग पूरा जलमग्न हो चुका है। आप देखिए जब भी पहाड़ों में बारिश होती है, जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, तो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे इसी तरीके से बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कल देर रात से लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जो पुजारी यहाँ पे उनसे बात करेंगे, सूरज सकलानी हमारे साथ मौजूद है। जी बताएं किस तरीके से कल स्तर बढ़ा है। काफी बारिश होने के कारण जो है यहाँ पे जो है अलकनंदा का तेज पानी आ रहा है और धौली गंगा का भी जो है तेज पानी चल रहा है यहाँ पे। कल से लगातार बारिश, लगातार बारिश के कारण जो कल से पूरा नुकसान हो गया, इधर रह गई है पूरा रेनी रोनी सब बह गया इधर। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार नदियों का जो जलस्तर है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने जो पहाड़ों में अलर्ट जारी किया हुआ है उसका साफ असर यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन उसके बाद न्यूज एजेंसी श्रीनगर में अपने उफान पर बह रही अलकनंदा नदी अब अपने खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। नदी के रौद्र रूप पर पुलिस टीमें लोगों को नदी से दूर बनाए रखने के लिए लगातार श्रीनगर में अनाउंसमेंट कर रही हैं। साथ ही पुलिस अलकनंदा नदी और घाट किनारे अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल चमोली, रुद्रप्रयाग और साथ ही श्रीनगर में बारिश का सिलसिला जारी है। तेज बारिश के कारण अलकनंदा नदी अपने रौद्र रूप में बह रही है। अलकनंदा नदी खतरे के निशान से 536 मीटर पर बह रही है। अलकनंदा नदी के बड़े जलस्तर से अलकेश्वर समेत तमाम घाट जलमग्न हो गए हैं। एरिया में जैसा कि श्रीनगर को हर बार इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो उस एरिया में आइडेंटिफिकेशन भी हो चुका है और नगर निगम और एसडीएम चूंकि अभी वहां के प्रशासक हैं, उनके स्तर पर कंटिन्यूअसली पुलिस और एसडीएम के स्तर पर जो भी अलार्मिंग सिचुएशंस होंगी उनको लेकर के चेतावनी जारी की जानी है, उन लोगों को कहीं और शिफ्ट किया जाना है। कोटद्वार भावर क्षेत्र का एक बार फिर से बाजार से संपर्क टूट चुका है। पिछली बरसात में माला नदी पर बना पुल ढह गया था, तो वहीं अब नदी पर बना वैकल्पिक मार्ग भी ध्वस्त हो गया है। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी पर ह्यूम पाइप से बना वैकल्पिक रास्ता भी ढह गया है। भावर क्षेत्र की 40,000 से ज्यादा आबादी का फिर से कोटद्वार से संपर्क कट चुका है, जिसमें आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कोरदा समेत पहाड़ों में हो रही भारी बारिश के चलते एक बार फिर से माला नदी उफान पर है और हालात ये हैं कि जो माला नदी का जो वैकल्पिक रास्ता बनाया गया था माला नदी पर वो अब टूट गया है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रास्ता है वो टूट गया है और अब जो भावर क्षेत्र के जो लोगों की जो आवाजाही है वो नहीं हो पा रही है। वैकल्पिक जो रास्ता था जहाँ से वाहनों की आवाजाही की जा रही थी, जो ट्रक आवाजाही जिस रास्ते से करते थे, वैकल्पिक रास्ता था ह्यूम पाइप से बनाया गया, वो ढह गया है। उसका जो अप्रोच है वो ढह गया है और जो वाहन है अब वो दोनों ओर खड़े हो गए हैं क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो वो जो पुल है जो पहले ही ढह गया था, पिछले बार की जो बरसात आई थी उसमें धराशायी हो गया था, वो अभी नहीं बन पाया, जिसके लेकर ये एक वैकल्पिक रास्ता हालांकि बनाया गया था लेकिन अब ये वैकल्पिक रास्ता भी नहीं बचा है। अब एकमात्र जो रास्ता है वो कर्णाश्रम रूट है, जो कर्णाश्रम रूट है उसके रास्ते आवाजाही हो रही है लेकिन वो लंबा रूट है और लोग इसी रास्ते से आवाजाही करते थे। अगर आप हल्द्वानी की सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्या पता कब कौन सा गड्ढा आपको झटका दे दे। हल्द्वानी में कई जगहों पर रहस्यमय तरीके से सड़कें धस गई हैं। अब इसकी वजह बारिश है या फिर कुछ और, एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मॉनसून की बरसात के साथ ही कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में कई जगह सड़कें रहस्यमय तरीके से धस चुकी हैं। ये क्यों हो रहा है ये किसी को नहीं पता।
और ये सब देखकर स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैरान हैं। आप में बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है, नहर बंद होने पर भी। दूसरी तरफ अधिकारी से बारिश के दौरान होने वाली सामान्य घटना करार दे रहे हैं और ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। जहां तक सड़क पर जो पॉटहोल्स डेवलप हो जाते हैं मानसून में, उसका मुख्य कारण ये होता है कि सड़कों के दोनों ओर अगर हमारा निकासी समुचित नहीं है और कहीं पर भी वाटर लॉगिंग होती है तो उसकी सरफेस डैमेज होती है। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम हमारी शहर की आंतरिक सड़कों को मैनेज कर रहा है, उसको अभी हम लोग दिखवा रहे हैं, यदि कहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको रिपेयर कराया जाएगा। दरअसल हल्द्वानी में तिकोनिया, बनफूलपुरा, हीरानगर वो इलाके हैं जहां बीच रोड जमीन धस चुकी है, ऐसे में लोग अब डरे हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। हरिद्वार में तेज बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया है। यहां पर भगत सिंह चौक पर हर बार की तरह इस बार भी पानी भरा हुआ है, जिसमें गाड़ियों की आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। अंडरपास में पानी भरा हुआ है, मुश्किल से गाड़ियों की आवाजाही हो पा रही है। हालांकि गंगा का जलस्तर अभी सामान्य बना हुआ है, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में बारिश हो रही है तो गंगा भी उफान पर आ सकती है। वहीं प्रशासन ने लोगों से बरसाती नाली के आसपास न जाने की अपील की है। देहरादून से बड़ी खबर है, बारिश के हालात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग की है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें और सीनियर अफसर जिलों के साथ ही कोऑर्डिनेशन बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने गढ़वाल और साथ ही कुमाऊं के कमिश्नर से अपडेट लिया और मौसम को देखते हुए स्कूल कॉलेज खोलने पर फैसला करने को कहा। आपको बता दें कि पिछले 3 दिन से राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। कोटद्वार नगर निगम में सफाई करने वाले 85 पर्यावरण मित्रों की छुट्टी कर दी है, जबकि 11 को सफाई हवलदारों को डिमोट कर दिया है, इसकी जगह पर नई भर्ती होगी। नैनीताल के उखल कांड में निर्माणाधीन रोड पर भूकटाव के बाद में मलबा खिसक कर नीचे आ गया। चक्राता कालसी रोड पर कई जगह पर भूस्खलन हुआ है और लगातार गिरता मलबा लोगों के लिए दिक्कत बन रहा है। चमोली में खीरो घाटी को जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे कि करीब 20 लोग घाटी में फंस गए हैं। रामनगर में कॉर्बेट प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है मौसम की जानकारी लेकर ही आने को कहा। बागेश्वर में पुलिस ने कई गांवों में जाकर भांग की अवैध खेती को नष्ट कर दिया है, नशे के खिलाफ मुहिम चलाई। अल्मोड़ा में डिप्लोमा इंजीनियर्स ने 10 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार की योजना मनरेगा में सहायकों का मानदेय पिछले 4 महीने से नहीं आया है, सहायकों ने जल्द देने को। बागेश्वर में क्षतिग्रस्त पुल, सड़क और नालियों के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी को ज्ञापन सौंपा गया। बागेश्वर में बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, महिलाएं धान का रोपाई कर रही हैं और इस बार अच्छी फसल की उम्मीद भी जता रही है। और उत्तराखंड में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 14 लाख राशन कार्ड धारकों को सस्ता नमक मिलेगा। सरकारी राशन की दुकान पर ये आयोडाइज्ड नमक 8 रुपए किलो मिलेगा। मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना की शुरुआत शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास गरीब लोगों को कुपोषण से बाहर निकालने का है और इस मौके पर मुख्यमंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने कुछ लोगों को आयोडाइज्ड नमक भी बांटा। वहीं खाद्य आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने कहा कि बाजार में नमक 30 रुपए किलो है, जबकि गरीब परिवारों को 8 रुपए का मिलेगा और 10 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी और 20 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अपने परिवार में अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं, इसीलिए वो योजना लेकर आए कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो।
और इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले सामान्य चावल मिलता था, अभी रेखा जी बता रही थी, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस इसमें वितरित किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जो भारत सरकार की गरीबी रेखा तय की गई है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में, जो लोग आते हैं उनको दिया जा रहा है, जो लगभग 15 लाख के करीब परिवार हैं पूरे प्रदेश में, और उनको राज्य सरकार द्वारा 8 रुपये में दिया जा रहा है और 10 रुपये उसमें सब्सिडी दी जा रही है, जो राज्य सरकार के द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपये वार्षिक वहन किया जाएगा। चबोली बारिश के बावजूद भी गढ़वाल सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने उपचुनाव का प्रचार किया और बीजेपी उम्मीदवार के लिए जनता से वोट की अपील की। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने पीपलकोटी क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार प्रसार किया। अनिल बलूनी लगातार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसके बाद भी अनिल बलूनी ने कई जगहों पर जनसंपर्क किया और लोगों से वोट मांगे और कहा कि बद्रीनाथ सीट पर पूरी तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में है। विगत लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे बहुत ही अच्छा, लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त जन समर्थन मिल रहा था। और जो अभी मैं देख रहा हूँ कि पिछले लोकसभा चुनाव से ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह है, ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और मुझे लगता है कि मैं इसके लगभग 8,500 वोट से मुझे यहाँ से मार्जिन था मेरा, यहाँ से मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा मोतों से जीतने वाले हैं और लोगों में उत्साह है, लोगों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनाने को लेकर सोच साफ दिखाई दे रही है। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर है, 8 जुलाई तक चारधाम यात्रा रोकी गई है। भारी बारिश की चेतावनी के चलते फैसला लिया गया, यात्रियों से अपनी जगह पर रहने की अपील की गई है। गढ़वाल कमिश्नर ने जारी किया है ये अपील का आदेश, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों से अपील की गई है। अड़तीसवें नेशनल गेम्स इस बार उत्तराखंड में होंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जल्द ही नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान होगा। रेखा आर्य ने कहा कि नेशनल गेम्स को लेकर केंद्रीय खेल मंत्री को भी जानकारी दी गई है, वहीं व्यवस्थाओं का काम भी पूरा किया जा रहा है। खेल मंत्री ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर में नेशनल गेम्स हो सकते हैं। उत्तराखंड बनने के बाद में ये पहली बार है जब उत्तराखंड को नेशनल गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है और मुझे गर्व के साथ ये कहते हुए आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2023 के ही हम लोग अक्टूबर या नवंबर माह के अंत तक में हम लोगों ने आयोग का जो झंडा है वो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने के अनुमित उत्तराखंड को हस्तांतरित हुआ, वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।